हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सनातन संस्कृत में गुरु को साक्षात परब्रह्म माना गया है। कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दरअसल गुरु ही हैं जो इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में हमारी सहायता करते हैं। गुरु के ज्ञान और दिखाए गए मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से जो हमारी आंखें खोलते हैं उन गुरु के लिए नमस्कार है। गुरु की इसी महत्ता को स्मरण और उसे आत्मसात करने के लिए हर वर्ष आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष 24 जुलाई दिन शनिवार को गुरु पूर्णिमा है। माना जाता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास ने महाभारत के साथ कई पुराणों की भी रचना की। वेदों को विभाजित करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद अभ्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन सुमंत मुनि पैल और जैमिन को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और मुश्किल होने के कारण ही वेद अभ्यास जी ने पुराणों की रचना पांचवे वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है। इसी कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा था। वेदव्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमें भी अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म कर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाना चाहिए। इसके बाद वस्त्र फल फूल और माला अर्पण कर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है और उसके हृदय का अज्ञान और अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है, इसलिए आप भी श्रद्धा पूर्वक गुरु की पूजा कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए
बलिहारी गुरु आपने गोविंदीयु बताए। ओम श्री गुरवे नमः।